नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और खबरों में सबसे पहले बात सियासी हलचल की। तो इस बार बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रचार की पहली बड़ी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की लोहरदगा और मनिका में सभा होगी। बची हुई सीटों पर उनकी सीएम रघुवर दास, ओम प्रकाश माथुर और धर्मपाल सिंह के साथ बैठक होगी, जिसके बाद बीजेपी अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर सकती है। सीएम रघुवर दास, ओम माथुर और धर्मपाल की बैठक होगी। बैठक में बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं और आज जारी हो सकती है अंतिम सूची। लेकिन अगर चुनावी शंखनाद की बात करें तो कल लोहरदगा और मनिका में अमित शाह की चुनावी सभा है और इसी के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी की बड़ी रैली अमित शाह की, तो बैठक होगी और बैठक में धर्मपाल सिंह, ओम माथुर और सीएम रघुवर दास चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बता दें आपको कि वहीं आज बीजेपी उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट भी जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, सीएम रघुवर दास, ओम माथुर और धर्मपाल की बैठक। बैठक में बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं और आज अंतिम लिस्ट पार्टी जारी कर सकती है। लेकिन चुनावी शंखनाद की बात करें तो यहां पर पीएम मोदी नहीं बल्कि अमित शाह चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी के लिए कल लोहरदगा और मनिका में अमित शाह की जनसभा है और अमित शाह जनसभा करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे लातेहार और मनिका में। तो मोदी नहीं अमित शाह चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे बीजेपी के लिए झारखंड में। कल लोहरदगा और मनिका में अमित शाह की सभा होनी है। लोहरदगा और मनिका में सभा करेंगे अमित शाह। आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट। सीएम रघुवर दास, ओम माथुर और धर्मपाल की बैठक होगी और इस बैठक में बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं। तो चुनावी हलचल तेज होती हुई बीजेपी भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देती हुई, आज उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी हो सकती है। सीएम रघुवर दास, ओम माथुर और धर्मपाल की बैठक होगी और इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं। बैठक में बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय होंगे और उसके बाद इन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। और चुनावी शंखनाद की बात करें तो कल लोहरदगा और मनिका में अमित शाह की सभा होनी है। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के आने की संभावना था कि मोदी यहां पर चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे, लेकिन अमित शाह कल आ रहे हैं और लोहरदगा और मनिका में उनकी सभा है। और आज बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है, अंतिम लिस्ट। उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में बैठक होगी। सीएम ओम माथुर और धर्मपाल इस बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ रणनीति बनेगी और किन किन प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी राजेश के पास। इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश। अब अहम बैठक मानी जा सकती है इसे, क्योंकि अब अंतिम लिस्ट आनी है और जो प्रत्याशी के नाम पर आज मुहर लग सकती है अंतिम लिस्ट के लिए। अब एक ही सूची की प्रतीक्षा है, क्योंकि जो सीटें यहाँ पर बची हैं जिनके घोषणा नहीं हो पाई है वो मूलतः आसू कोटे की सीटें हैं। और चूंकि एक डेडलॉक बना हुआ है इन लोगों के बीच की, कोई उसमें ना आगे बढ़ रहा है ना कोई पीछे हट रहा है, तो वो सूची अब लग रहा है कि बीजेपी जारी कर देगी। और बीजेपी की तरफ से देखिए, इसमें संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया जाता है, लेकिन राज्य के जो प्रमुख नेता होते हैं, मुख्यमंत्री हों, प्रदेश संगठन महामंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर चुनाव प्रभारी, इन लोगों का मंतव्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इन लोगों के द्वारा जो नाम अनुशंसित होंगे उन्हीं के पर मोहर लगने की संभावना है, यही कुछ पार्टी की परंपरा है। तो सभी लोग कल से ही ये बड़ी जिज्ञासा में हैं कि कौन कौन से क्षेत्र से कौन चेहरा हो सकता है। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस सूची जारी होगी। लेकिन ये पूरी संभावना नजर आ रही है कि शायद आज शाम तक ये सूची जारी हो जाए, किसी भी एनी टाइम ये सूची। हमारे साथ है सुदेश वर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की, दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में बैठते हैं। सुदेश जी, क्या माना जाए जो सीटें बची हैं उसकी घोषणा आज हो जाएगी? हमारे सीनियर लीडर्स बैठ रहे हैं और वो तय करेंगे, हो जाना चाहिए, उम्मीद यही करिए।
क्योंकि विलंब हो रहा है, आपको ये एहसास होगा। जी निश्चित ही विलंब हो रहा है और कुछ कारण है, लोग सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, हो जाना, जल्दी हो जाएगा। वजह क्या हो सकती है कि क्या आप लोग तैयार नहीं थे कि इन सीटों पर अपने कोई प्रत्याशी के चेहरे के रूप में देखें, क्योंकि वो आंसू कोटे के थे, ऐसा ही यही कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट डेज में ही अनाउंस हुआ है बहुत बार, बहुत सीटों का, उसके बहुत से कारण होते हैं, आंसू कारण हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, ये जो दोनों के बीच रिश्ते में खटास उत्पन्न हुआ, तो क्या लगता है कि चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, आप ऐसा मानते हैं? कल भी मैंने इससे इस पर आपसे बात, चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं अपने विकास के जो कार्य हमने किए हैं। रघुवर दास जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के विकास के विजन को गांव तक पहुंचाया है और उसी पर हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो जो भी सरकार की उपलब्धि है, अगर हमारे साथ जो होंगे उनको भी उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो बीजेपी तो सरकार में है तो बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। सुधे जी, आप ये बहुत ही तल्ख सच्चाई है कि जब चाहे विकास के जितने आयाम हम लोग गढ़े हों, लेकिन चुनाव के वक्त प्रत्याशी के चयन में ये सब चीजें आ जाती हैं, सामाजिक फैक्टर, कुछ कास्ट, ये सब चीजें देखी, क्या उस इसको लेकर गठबंधन किया जाता है और उसके लाभ को लेने के लिए ही गठबंधन में दूसरे दल को शामिल किया जाता है? देखिए, लाइक माइंडेड भी होना चाहिए। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको आप किसी जाति विशेष या धर्म से नहीं जोड़ सकते। हम लोग सर्वस्पर्शी सभी लोगों को समावेश करके चलते हैं, न ये किसी एक कास्ट बेस्ड पार्टी है, न किसी धर्म की बेस्ड पार्टी है। और आपने देखा होगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर जगह विकास एक एजेंडा रहा है। तो हर वो व्यक्ति जो समाज में कुछ करना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है और विनेबिलिटी हो, तो निश्चित ही उसको टिकट दिया जाता है। आज से आप लोगों के रंग ढंग कुछ बदले बदले से हैं, सब लोग पट्टा बांधे हुए हैं, बैच लगाए हुए हैं। नहीं, ये तो हमारी पहचान है, पहचान जतलाने की जरूरत है। सभी लोग तो पहना हुआ देख रहे हैं। नहीं, वो लोगों ने पहना दिया है, अच्छी बात है, पार्टी की पहचान से अलग क्यों होना है? एक माहौल बनाना है कि भाई हम लोग बीजेपी बीजेपी आए, तो चुनाव में तो माहौल बनता ही रहता है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बना, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के पक्ष में ही तो हम लोग बनाएंगे जब हम लोग बीजेपी से हैं। तो चलिए राजेश जी, जब बैठक होगी तो बैठक में क्या बातें सामने आ पाती हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि किन प्रत्याशियों को पार्टी टिकट देती है और अंतिम जो लिस्ट आएगी उसमें किन किन प्रत्याशियों को जगह मिलती है, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त बता रहे थे कि हलचल बढ़ी हुई है, चुनावी तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां रेस हैं और बीजेपी भी इससे अलग नहीं है। और वैसे भी कल अमित शाह आने वाले हैं यहां पर, चुनावी प्रचार को लेकर शंखनाद भी करेंगे। और बढ़ते आगे और बात करते हैं नॉमिनेशन के बीच, आज से चुनावी प्रचार भी रफ्तार पकड़ रहा है। जी हाँ, सीएम रघुवर दास आज चाईबासा में होंगे जहां एक बैठक को संबोधित करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। यहां पर सीएम के साथ बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर भी होंगे। तो सीएम के साथ ओम माथुर भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे दोनों नेता।